मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, क्या ही बताऊं। बाहर में जाए झुमके, हमने ड्रैगन मोमोज मंगाए थे, गलती से कुरकुरे मोमोज है। खाएंगे चले। Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing good. आप लोग सेफ, हेल्दी और हैप्पी होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बट नहीं, उठना पड़ेगा। और आज संडे है, मुझे ये नहीं समझ आता संडे लोगों को इतना हैप्पी, मजेदार, फन लविंग क्यों होता है। और इस संडे भगवान की कृपा से मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के पास। बाकी तो संडे मेरा ऐसे डांट में निकल जाता है या काम में निकल जाता है, क्योंकि हम सफाई करते हैं घर की, और आज भी चल रही है सफाई, करके ही जाऊंगी मैं, ऐसे तो जा नहीं सकती। तो उठते सबसे पहले मैं आजकल ग्रीन टी पी रही हूँ, जब तक ये जले आएगा उससे फटाफट बोल देती हूँ। तो ग्रीन टी मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फैट हो रहा है मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं, तो उस फैट को मैं बैठे बैठे रिड्यूस करना चाहती हूँ, ऐसा हो नहीं है। एक सेकंड कुछ ला लेती हूँ। ग्रीन टी मुझे थोड़ा बहुत इफेक्टिव तो लग रहा है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो मुझे ब्लोटिंग होती थी मेरे पेट में वो नहीं हो रही। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, क्या ही बताऊं। तुम बोलोगे कि कितनी दुख में। बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है दिल्ली में, झुमके चूज करना ना बहुत टफेस्ट है। हमने ड्रैगन मोमोज मंगाए थे, गलती से कुरकुरे मोमोज है, और हम इतने भूखे हैं कि हम ये भी खा लेंगे। कंप्लेन करने की बस की नहीं है। मंचूरियन, ये है नूडल्स, और ये है सब चटनीज, और ये है प्लेट्स, और वो ले आओ प्लीज ले आओ, अलग अलग खाने वाले सब तीन चार फॉक्स, और वो ले कुछ मंचूरियन वाले, कुछ बिना मंचूरियन वाले। भाजी बच गई थी तो उसके लिए हम ब्रेड, हमने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया है, और अब हम ब्रेड को सेकेंगे बटर में और देन खाएंगे। ये रहा ब्रेड एंड ये रहा, और जो बटर का तुमने होल्डर बनाया था वो बटर कर लिया हमने किचन में काम, चम्मच ढूंढने में हमारी हालत खराब हो गई। तूने कौन सा चम्मच पकड़ा? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं नहीं हाँ हाँ आई लव हाँ 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 गाइस लड़ो खाती पीती है। इस पूरे मिरर में इतनी अच्छी लाइट आती है, बट ये अभी चालू ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरे बटर के हाथ हैं इसलिए। भी नहीं हो रहा भाई, बैक टू किचन। हो गया, ये ब्रेड को रख देती हूँ मैं। देखो पता, एक टेक्निक बताती हूँ ब्रेड को कैसे करते हैं, रुक जाओ पकड़ इसको, ऐसे ऐसे करो ठीक है, फिर इसको मैं बताऊँ टेक्निक।
हमारी बची हुई भाजी है, अब इसको हम इसके साथ खाएंगे। आ जाओ गाइस। मॉर्निंग, नई सुबह। एक्चुअली दिन के बज रहे हैं 12 और मेरी सुबह अभी हुई है और अभी जस्ट मैंने शावर ले रखा है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यार स्किन में काफी ग्लो आ गया है और जो तेरे पुराने स्कार्स थे वो भी अब काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। जानना चाहते थे कि मैं कौन सा ऐसी चीज लगा रही हूँ, तो वैसे मैंने उन्हें उस टाइम बताया नहीं। मैंने कहा कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करूंगी। सो करेंटली आई एम यूजिंग गुडुची प्रोडक्ट्स और इनके प्रोडक्ट्स ने जो मेरे फेस का काया पलट करा है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं यूज कर रही हूँ वो है स्किन रिलाइटिंग विटामिन सी सीरम। इसको मैंने अपने फेस में 7 डेज तक यूज किया है। मैं इस प्रोडक्ट पे इसलिए सोच रही हूँ बिकॉज ये आयुर्वेदिक है ब्रो। आयुर्वेदिक में कुछ अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है लाजवाब इंग्रेडिएंट्स है, तो एक एक करके आपको उसके बारे में बताती हूँ। आई थिंक ये इंग्रेडिएंट हर सीरम में होना चाहिए, ककाडू प्लम एक्सट्रैक्ट, जो हमारे स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है और जिससे नई स्किन डेवलप होती है। एंड साथ ही में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट है विटामिन ए एंड विटामिन ई। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इट्स हेल्प टू रिड ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन प्रॉब्लम। जो फोर्थ हर्ब है उसके बारे में दीपिका पादुकोण ने भी बात की है, गोतू काला एक्सट्रैक्ट, जो हमारी स्किन को ब्राइट करती है, रिपेयर करने में मदद करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जोजोबा ऑयल, ये हमारी स्किन में जो इचिनेस प्रॉब्लम आ जाती है ड्राइनेस की वजह से और सनबर्न प्रॉब्लम से रिड ऑफ करता। मैं इसको 7 डेज तक यूज करा है, मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आजकल इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे मेरे, मतलब सबके ही हो रहे हैं इस मौसम में। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने मम्मी से भी पूछा कि मम्मी, मैं बोलती नहीं बारिश का मौसम जब आता है तो हेयर फॉल होते ही है। मेरे बाल थोड़े से पतले है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि थोड़े बहुत है वो भी निकल गए तो क्या टकली ना हो जाओ। गुडुची से मैंने एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो है हेयर सीरम। एक दो यूज में मुझे इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा मुझे आइडिया नहीं था। अब स्किन के लिए तो मैंने 7 डेज का वेट किया रिजल्ट के लिए, बट हेयर सीरम का जो चमत्कार मुझे 2-3 दिन में देखने को मिला है। जब मैं इसको यूज नहीं कर रही थी मेरे हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रखे थे, मैंने एज अ प्रूफ वीडियो भी ली, पर जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया ना मुझे 1-2 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो वो भी सारे के सारे आयुर्वेदिक है। पहला इंग्रेडिएंट है रोजमेरी ऑयल, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जो बाल टूट रहे हैं उसको कम करता है। एंड जो सेकंड दो इंग्रेडिएंट है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आर्गन ऑयल, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी और हमारे बालों को थिक और वॉल्यूम देने में मदद करती है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है ना उसने मेरी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैकेडेमिया ऑयल, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करती हूँ। दिस इंग्रेडिएंट हेल्प मी टू रेगुलराइजिंग द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ माय स्कैल्प, जिससे मेरे बालों को टाइम टू टाइम मॉइस्चराइजर मिलता रहता है। एंड कुछ इंग्रेडिएंट्स और बच गए हैं, वो है जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल। मुझे सारी चीज इसमें अच्छी लगी, बट इसमें से थोड़ी सी एकदम माइल्ड स्मेल आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आप सबको पता है कि मैं बिलीव करती हूँ होममेड चीजों में, घरेलू चीजें ज्यादा यूज करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बाहर वाली चीजें काफी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। आप क्लेम एक बहुत अच्छी डील लेके भी आई। इफ यू गाइज वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करके 11% का डिस्काउंट मिल सकता है। आज है रक्षाबंधन और मेरा व्लॉग पता नहीं किस जन्म से कंटिन्यू हो रहा है, क्यों खत्म ही नहीं हो रहा और रक्षाबंधन तक आ गया। संडे से बनाना स्टार्ट किया था, मंडे बनाया, फिर मैं भूल गई, फिर आज थर्सडे आ गया। मेरा भाई स्टिल सो रहा है क्योंकि वो रात भर जग रखा था। पिछले रक्षाबंधन तो इतना बेकार गया था कि हम पड़े थे बेड में क्योंकि वायरल फीवर हो गया था सचिन और मुझे, और आज मेरा भाई जानबूझ के पड़ा हुआ है। राखी कब बना रहे? 3-4 बजे बना रहे हैं, मतलब मेरा भाई अभी जग के उठा है तो थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो रखा है। और अभी हम जाएंगे शॉप में मिठाई लेने के लिए क्योंकि कुछ भी नहीं लेके आए थे हम। हमें लग रहा था रसगुल्ले का डिब्बा है हमारे पास, पर पता चला तो नहीं है। मुझे को लगता था कि मैं हमेशा क्यों लास्ट मोमेंट में सब कुछ करती हूँ, मेरी फैमिली ही लास्ट मोमेंट में सब कुछ करती, तो गुड़ तो आएंगे ना कुछ। और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही। Thank you.
चल दे नेचुरल ही कर रही हूँ। राखी सचिन पहले कौन सी राखी, कछुए वाली की गणेश वाली? एक्टिंग कर।